ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप, पार्ट टू। टॉपिक है लास्ट सो फास्ट पुरुषार्थ की विधि है प्रतिज्ञा। लास्ट सो फास्ट पुरुषार्थ की विधि है प्रतिज्ञा। कोई भी बात की प्रतिज्ञा करना कि यह करना ही नहीं है या यह अभी करना है। प्रतिज्ञा की विधि यह है कि लास्ट इज फास्ट प्रतिज्ञा अर्थात संकल्प किया और स्वरूप हुआ। प्रतिज्ञा करने में सेकंड लगता है तो अब फास्ट पुरुषार्थ एक सेकंड का ही होना चाहिए, क्योंकि सुनाया था कि लास्ट पेपर की जो रिजल्ट आउट होना है, लास्ट पेपर का समय क्या मिलेगा? एक सेकेंड। लास्ट पेपर का टाइम भी फिक्स है और पेपर भी फिक्स है। पेपर सुनाया था ना, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। एक सेकेंड में ऑर्डर हुआ नष्टो मोहा बन जाओ, तो एक सेकेंड में अगर नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप न बने, अपने को स्वरूप बनाने अर्थात युद्ध करने में ही समय गवा दिया और बुद्धि को ठिकाने लगाने में समय लगा दिया, तो क्या हो जाएंगे? फेल। तो समय भी एक सेकंड का मिलना है, यह भी पहले से ही सुन रहे हैं, पेपर भी पहले सुन रहे हैं, तो कितने पास होने चाहिए? फास्ट पुरुषार्थ की विधि प्रतिज्ञा से अपने को प्रख्यात करो, बाप को प्रख्यात करो अर्थात प्रतिज्ञा से प्रत्यक्षता करो। यह मुश्किल है क्या? हिम्मत और हुल्लास और नशा और निशाना अगर सदा साथ रखेंगे तो अनेक कल्प के समान फुल पास हुए ही पड़े हैं। कोई मुश्किल नहीं। यह महावाक्य है 23 जून 1973 के। अगला टॉपिक है नष्टो मोहा बनने के लिए सहज युक्ति है सदैव अपने सामने सर्व संबंधों से बाप को देखना। आज कौन सा मेला कहेंगे? बाप और बच्चों का। वह तो लौकिक संबंध में भी होता है, लेकिन आज के मेले की विशेषता क्या है जो और कहीं भी नहीं होती? आत्माओं और परमात्मा का मेला तो है ही, और कोई अलौकिक बात सुनाओ। इसकी विशेषता यह है कि यह मेला एक ही समय एक से सर्व संबंधों से सर्व संबंध के स्नेह और प्राप्ति का मेला है। सिर्फ बाप और बच्चों का, सद्गुरु और फॉलो करने वाले व समान बनने वाले आज्ञाकारी बच्चों का ही नहीं, लेकिन एक ही समय एक से सर्व संबंधों से मिलन मनाने का अलौकिक मेला है। यह अलौकिकता व विशेषता और कहीं नहीं मिलेगी। ऐसा मेला मनाने सब सागर के कंठे पर आए हुए हैं, जबकि सर्व संबंधों से सर्व प्राप्ति कर सकते हो तो सिर्फ एक दो संबंध से मिलन व प्राप्ति करने में राजी नहीं हो जाना है। थोड़े में राजी होने वाले भक्त कहलाए जाते हैं। बच्चे सर्व संबंध और सर्व प्राप्ति के अधिकारी है। इसी अधिकार को प्राप्त करने वाली आत्माएं ज्ञानी तू आत्मा और योगी तू आत्मा
बाप को प्रिय है। अपने से पूछो, ऐसे बाप के प्रिय बने हो? क्या बाप समान निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी, नष्टो मोहा और स्मृति स्वरूप बने हो? स्मृति स्वरूप बनने वाले की निशानी क्या अनुभव होगी? वह सदा सर्व समर्थी स्वरूप होगा। नष्टो मोहा बनने के लिए सहज युक्ति कौन सी है? इसके तो अनुभवी हो ना। सदैव अपने सामने सर्व संबंधों से बाप को देखना और सर्व संबंधों द्वारा सर्व प्राप्तियों को देखना। अब सर्व संबंध और सर्व प्राप्तियां एक द्वारा अनुभव हो रही है, तो फिर और कोई संबंध व प्राप्ति रह जाती है क्या? जहां मोह अर्थात लगाव है, तो क्या सहज व स्वतः ही अनेक तरफ से तोड़ एक तरफ से जोड़ने का अनुभव नहीं होता? अब तक भी कहीं और किसी के साथ लगाव व मोह है तो सिद्ध होता कि सर्व संबंध और सर्व प्राप्तियों का अनुभव नहीं कर रहे हैं। यह महावाक्य है 8 अगस्त 1974 के। अगला टॉपिक है मोहजित परिवार। परिवार का परिवार एकमत हो जाए तो यह भी तकदीर की निशानी है। परिवार के सब साथी पुरुषार्थ की रेस में एक दूसरे से आगे निकलने की लगन में लगे हुए हैं। हिम्मत से मदद स्वतः ही प्राप्त होती है। वीरचंद को यह मोहजित परिवार है। ऐसे मोहजित परिवार कितने बनाए हैं? लक्ष्य श्रेष्ठ रखा हुआ है। अब ऐसे परिवारों का गुलदस्ता बनाओ। अगर 10-11 ऐसे परिवार हो जाए तो अहमदाबाद का नंबर आगे हो जाएगा। गुजरात को परिवारों को चलाने का वरदान ड्रामानुसार मिला हुआ भी है, लेकिन मोहजित परिवार और सब एक लगन में श्रेष्ठ पुरुषार्थ की लाइन में हो, ऐसा गुलदस्ता बनाओ। यह महावाक्य है 9 फरवरी 1975 के। अगला टॉपिक है मेरेपन में ही मोह के साथ अन्य विकारों की भी प्रवेशता होती है। अपने को कमल पुष्प समान अति न्यारा और सदा बाप का प्यारा अनुभव करते हो? कमल पुष्प एक तो हल्का होने के कारण जल में रहते भी जल से न्यारा रहता है, प्रवृत्ति होते हुए भी स्वयं निवृत्त रहता है। ऐसे ही आप सब भी लौकिक या अलौकिक प्रवृत्ति में रहते हुए निवृत्त अर्थात न्यारे रहते हो? निवृत्त रहने के लिए विशेष अपनी वृत्ति को चेक करो। जैसी वृत्ति वैसी प्रवृत्ति बनती है। वृत्ति कौन सी रखनी है? आत्मिक वृत्ति और रूहानी वृत्ति। इस वृत्ति द्वारा प्रवृत्ति में भी रूहानियत भर जाएगी, अर्थात प्रवृत्ति में रूहानियत के कारण अमानत समझकर चलेंगे तो मेरापन सहज ही समाप्त हो जाएगा। अमानत में कभी मेरापन नहीं होता है। मेरेपन में ही मोह के साथ साथ अन्य विकारों की भी प्रवेशता होती है। मेरापन समाप्त होना अर्थात विकारों से मुक्त निर्विकारी अर्थात
पवित्र बनना है, जिससे प्रवृत्ति भी पवित्र प्रवृत्ति बन जाती है। विकारों का नष्ट होना अर्थात श्रेष्ठ बनना है। तो क्या ऐसे अपने को विकारों को नष्ट करने वाली श्रेष्ठ आत्मा समझते हो? यह महावाक्य है 24 अक्टूबर 1975 के। अगला टॉपिक है स्नेह होते हुए भी नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। जो चाहे जिस घड़ी चाहे वैसा अपना स्वरूप धारण कर सकते हो, इसको कहते हैं विल पावर। प्रेम स्वरूप में भी शक्तिशाली स्वरूप साथ साथ समाया हुआ हो, सिर्फ प्रेम स्वरूप बन जाना यह लौकिकता हो गई। अलौकिकता यह है कि जो प्रेम स्वरूप के साथ साथ शक्तिशाली स्वरूप भी रहे। इसलिए शक्तिशाली स्वरूप का अंतिम दृश्य नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप का दिखाया है। जितना ही अति स्नेह उतना ही अति नष्टो मोहा। तो लास्ट पेपर क्या देखा? स्नेह होते हुए भी नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। यही लास्ट पेपर यादगार में भी गायन रूप में है। यही प्रैक्टिकल कर्म करके दिखाया। साकार संबंध सम्मुख होते हुए समाने की भी शक्ति और सहन करने की भी शक्ति, यही दोनों शक्तियों का स्वरूप देखा। एक तरफ स्नेह को समाना, दूसरे तरफ रहा हुआ लास्ट का हिसाब किताब सहन शक्ति से समाप्त करना। समाना भी और सहन भी करना, दोनों का स्वरूप कर्म में देखा। क्या बाप का बच्चों में स्नेह नहीं होता? स्नेह का सागर होते हुए भी शांत, अपने शरीर से भी उपराम, यही लास्ट स्टेज है। यह प्रैक्टिकल में कर्म करके दिखलाया। यही समय था ना लास्ट पेपर को फर्स्ट नंबर में प्रैक्टिकल में किया। स्वरूप में लाना सहज होता है, लेकिन समाना इसमें विल पावर चाहिए। सारा पाठ समाने का देखा, कर्मभोग को भी समाना और स्नेह को भी समाना, यही विल पावर है। यही विल पावर अंत में बच्चों को विल की। अच्छा, यह महावाक्य है 18 जनवरी 1976 के। अगला टॉपिक है क्वेश्चन का विनाश की डेट से कोई कनेक्शन अर्थात संबंध नहीं है। नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप हो गए कि अभी होना है? 1976 तक होना ही था ना। फाइनल विनाश तक रुकी हुई है क्या? इंतजार तो नहीं कर रहे हो ना? विनाश का इंतजार करना अर्थात अपनी मृत्यु की डेट की स्मृति रखना। अपनी डेथ का आह्वान कर रहे हो? कितने संकल्प कर रहे हो? विनाश क्यों नहीं हुआ? कब होगा? कैसे होगा? संगम युग सुहावना लगता है वा सतयुग? तो घबराते क्यों हो कि विनाश क्यों नहीं हुआ? अगर स्वयं इस प्रश्न से प्रसन्न है तो दूसरे को भी प्रसन्न कर सकते हैं। स्वयं ही क्वेश्चन में है तो दूसरे भी जरूर पूछेंगे, इसलिए घबराओ नहीं। कोई पूछते हैं कि विनाश क्यों नहीं हुआ, तो और ही उसको कहो कि आपके कारण नहीं हुआ। बाप के साथ हम सभी भी
विश्व कल्याणकारी है। विश्व के कल्याण में आप जैसी और आत्माओं का कल्याण रहा हुआ है, इसलिए अभी भी चांस है। होता क्या है कि जब कोई क्वेश्चन करता है तो आप लोग स्वयं ही क्यों क्या में कंफ्यूज हो जाते हो। हाँ, कहा तो है, लिखा हुआ तो है, होना तो चाहिए था, इसलिए दूसरे को संतुष्ट नहीं कर पाते हो। फलक से कहो कि कल्याणकारी बाबा के इस बोल में भी कल्याण समाया हुआ है, उसको हम जानते हैं, आप भी आगे चलकर जानेंगे, डरो मत। क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे, ऐसे सोचकर किनारा न करो। जिन लोगों को कहा है उनसे डर के मारे किनारा न करो, क्या करेंगे? अगर उल्टा प्रपोगंडा करेंगे तो वो उल्टा बोल अनेकों को सुल्टा बना देगा, प्रत्यक्षता का साधन बन जाएगा। बच्चे भी पूछते रहते हैं, तो लोगों ने पूछा तो क्या बड़ी बात हुई, सोचते हैं यह करे या न करे, प्रवृत्ति को कैसे चलाए, व्यवहार को कैसे सेट करे, बच्चों की शादी करे या नहीं करे, मकान बनाए या नहीं। वास्तव में इस क्वेश्चन का विनाश की डेट से कोई कनेक्शन अर्थात संबंध नहीं है। अगर प्रॉपर्टी है और बनाने का संकल्प है तो इससे सिद्ध है कि स्वयं प्रति यूज करने की भावना है। अगर ईश्वरीय सेवा में लगाना ही है तो मकान बनाना या वैसे ही प्रॉपर्टी रखना, उसका तो क्वेश्चन ही नहीं उठता। लेकिन आवश्यकता है और डायरेक्शन प्रमाण बनाते भी है तो उसका बनाना व्यर्थ नहीं होगा, लेकिन जमा होगा, तो विनाश के कारण घबराने की बात ही नहीं, क्योंकि श्रीमत पर चलना अर्थात इंश्योरेंस करना, उसका उनको फल मिल ही जाता है। यह महावाक्य है 18 जनवरी 1977 के। अगला टॉपिक है, अगर मेरा खत्म तो नष्टो मोहा हो गए। सबसे सहज बात कौन सी है, जिसको समझने से सदा के लिए सहज मार्ग अनुभव होगा? वह सहज बात है, सदा अपनी जिम्मेदारी बाप को दे दो। जिम्मेदारी देना सहज है ना? स्वयं को हल्का करो तो कभी भी मार्ग मुश्किल नहीं लगेगा। मुश्किल तब लगता है जब थकना होता या उलझते हैं। जब सब जिम्मेवारी बाप को दे दी तो फरिश्ते हो गए। फरिश्ते कब थकते हैं क्या? लेकिन यह सहज बात नहीं कर पाते तब मुश्किल हो जाता। गलती से छोटी छोटी जिम्मेवारियों का बोझ अपने ऊपर ले लेते, इसलिए मुश्किल हो जाता। भक्ति में कहते थे, सब कर दो राम हवाले। अब जब करने का समय आया तब अपने हवाले क्यों करते? मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, यह मेरा कहां से आया? अगर मेरा खत्म तो नष्टो मोहा हो गए। जब मोह नष्ट हो गया तो सदा स्मृति स्वरूप हो जाएंगे। सब कुछ बाप के हवाले करने से सदा खुश और हल्के रहेंगे। देने में फ्रागदिल बनो। अगर पुरानी कीचड़ पट्टी रख लेंगे
तो बीमारी हो जाएगी। यह महावाक्य है 5 मई 1977 के। अगला टॉपिक है नष्टो मोहा बनने की सहज युक्ति। पहला पाठ, आत्मिक स्मृति का पक्का करो। आत्मा इस शरीर द्वारा किसको देखेगी? आत्मा आत्मा को देखेगी, न कि शरीर को। आत्मा कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कर रही है, तो अन्य आत्माओं का भी कर्म देखते हुए यह स्मृति रहेगी कि यह भी आत्मा कर्म कर रही है। ऐसे अलौकिक दृष्टि जिसको देखो आत्मा रूप में देखो। इस अभ्यास की कमी होने के कारण का पाठ पक्का नहीं किया, लेकिन औरों को पाठ पढ़ाने लग गए। इस कारण स्वयं प्रति अटेंशन कम रहता, दूसरों के प्रति अटेंशन ज्यादा रहता है। स्वयं को देखने के कारण दूसरों को देखते हुए अलौकिक के बजाय लौकिक रूप दिखाई दे देता है। अपनी कमजोरियों को कम देखते हुए दूसरों की कमजोरियों को ज्यादा देखते हैं। अलौकिक वृत्ति द्वारा हरेक से शुभ भावना, कल्याण की भावना से संपर्क में आना, इसको कहा जाता है अलौकिक जीवन की अलौकिक वृत्ति। लेकिन अलौकिक वृत्ति के बजाय लौकिक वृत्ति, अवगुण धारण करने की वृत्ति, ईर्ष्या और घृणा की वृत्ति धारण करने से अलौकिक जीवन के अलौकिक परिवार द्वारा अलौकिक सहयोग की खुशी, अलौकिक स्नेह की प्राप्ति की शक्ति प्राप्त नहीं कर पाते। इस कारण लौकिक वृत्ति को भी अलौकिक वृत्ति में परिवर्तन करो, तो पुरुषार्थ में कमजोर रहने का कारण लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करना नहीं आता। लौकिक संबंध में भी अलौकिक संबंध रूहानी भाई बहन की स्मृति में रखो। किसी भी संबंध की तरफ लौकिक संबंध की आकर्षण आकर्षित करती है, अर्थात मोह की दृष्टि जाती है, तो लौकिक संबंध के अंतर में बाप से सर्व अविनाशी संबंध की स्मृति की व बाप के सर्व संबंधों के अनुभव की नॉलेज कम होने के कारण लौकिक संबंध तरफ बुद्धि भटकती है, तो सर्व संबंधों के अनुभवी मूर्त बनो, तो लौकिक संबंध की तरफ आकर्षण नहीं होगी। उठते बैठते लौकिक और अलौकिक के अंतर को स्मृति में रखो, तो लौकिक से अलौकिक हो जाएंगे, फिर यह कंप्लेंट समाप्त हो जाएगी। बार बार एक ही कंप्लेंट करना क्या सिद्ध करता है? अलौकिक जीवन का अनुभव नहीं। तो अभी स्वयं को परिवर्तन करते हुए विश्व परिवर्तक बनो, समझा? छोटी सी बात समझ में नहीं आती? ठेका तो बहुत बड़ा लिया है, दुनिया को चैलेंज तो बहुत बड़ी की है। चैलेंज करते हो ना कि सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति देंगे। निमंत्रण में क्या लिखते हो? एक सेकंड में बाप से वर्षा आकर प्राप्त करो वा मुक्ति, जीवन मुक्ति के अधिकारी बनो। तो दुनिया को चैलेंज करने वाले अपने वृत्ति दृष्टि को चेंज नहीं कर सकते। स्वयं को भी चैलेंज दो कि परिवर्तन करके ही छोड़ेंगे, अर्थात विजयी बनकर ही दिखाएंगे। अच्छा,
हर संकल्प, समय, संबंध और संपर्क लौकिक से अलौकिक बनाने वाले अलौकिक ब्राह्मण जीवन के अनुभवी मूर्त विश्व परिवर्तन के साथ साथ स्वयं परिवर्तन द्वारा विश्व को सही रास्ता दिखाने वाले सदा बाप के सर्व संबंधों के अनुभवी मूर्त सर्व प्राप्तियों के रस में मगन रहने वाले एक बाप दूसरा न कोई ऐसे अनुभव में रहने वाले अनुभवी मूर्तों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। पार्टियों के साथ ट्रस्टी का विशेष लक्षण क्या दिखाई देगा? जो ट्रस्टी होगा उसका विशेष लक्षण सदैव स्वयं को हर बात में हल्का अनुभव करेगा, डबल लाइट अनुभव करेगा, शरीर के भान का भी बोझ न हो, इसको कहा जाता है ट्रस्टी। अगर देह के भान का बोझ है तो एक बोझ के साथ अनेक प्रकार के बोझ से परे रहने का यह साधन है। तो चेक करो देह भान में कितना समय रहते। जब बाप के बने तो तन मन धन सहित बाप के बने ना, सब बाप को दिया ना, जब दे दिया तो अपना कहाँ से रहा? जब अपना नहीं तो मान किस चीज का? अगर मान आता तो सिद्ध है देकर के फिर लेते हो। अभी अभी दिया, अभी अभी लिया, यह खेल करते हो। ट्रस्टी अर्थात मेरापन नहीं। जब मेरापन समाप्त हो जाता तो लगाव भी समाप्त हो गया। ट्रस्टी बंधन वाला नहीं होता, स्वतंत्र आत्मा होता। किसी भी आकर्षण में परतंत्र होना भी ट्रस्टीपन नहीं। ट्रस्टी माना ही स्वतंत्र। नष्टो मोहा बनने की सहज युक्ति कौन सी है? सदैव अपने घर की स्मृति में रहो। आत्मा के नाते आपका घर परमधाम है और ब्राह्मण जीवन के नाते साकार सृष्टि वृक्ष में यह मधुबन आपका घर है, क्योंकि ब्रह्मा बाप का घर मधुबन है। यह दोनों ही घर स्मृति में रहे तो नष्टो मोहा हो जाएंगे, क्योंकि जब अपना परिवार अपना घर कोई बना लेते तो उसमें मोह जाता। अगर उसको दफ्तर समझो तो मोह नहीं जाएगा। सदैव बुद्धि में रहे सेवा स्थान पर सेवा के निमित्त रूप आत्माएं हैं, न कि मेरा कोई लौकिक परिवार है। सब अलौकिक सेवाधारी है। कोई सेवा करने के निमित्त है, कोई की सेवा करनी है। लौकिक संबंध भी सेवा के अर्थ मिला है। यह मेरा लड़का या लड़की है नहीं, सेवा के निमित्त यह संबंध मिला है। मैं पति हूँ, पिता हूँ, चाचा हूँ, यह संबंध समाप्त हो जाए तो ट्रस्टी हो जाएंगे। स्मृति विस्मृति का रूप तब लेती जब मेरापन है। अगर मेरापन खत्म हो जाए तो नष्टो मोहा हो जाएंगे। नष्टो मोहा अर्थात स्मृति स्वरूप। माताओं का सबसे बड़ा पेपर ही मोह का है। अगर माताएं नष्टो मोहा हो गई तो नंबर आगे ही जाएंगी। पांडवों को नंबर वन बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है? पांडव अगर एकर स्थिति में एकाग्र बुद्धि हो गए तो नंबर वन हो जाएंगे।
पांडवों की बुद्धि यहाँ वहाँ भागने में तेज होती है, तो पांडवों की बुद्धि एकाग्र हुई तो नंबर वन। वैसे भी पांडवों को घर में एक स्थान पर बैठने की आदत नहीं होती, स्थिर होकर नहीं बैठेंगे, चलेंगे, उठेंगे, यह आदत होती है। बुद्धि को भी भागने की आदत पड़ जाती, उसका असर बुद्धि पर भी आ जाता है। ऐसे तो नहीं समझते, चक्रवर्ती बनना है तो यही चक्र लगावे, यह व्यर्थ चक्र नहीं लगाओ। स्वदर्शन चक्रधारी बनो, परदर्शन चक्रधारी नहीं। यह महावाक्य है 5 जून 1977 के। अगला टॉपिक है ट्रस्टी अर्थात नष्टो मोहा। सदा स्वयं को हर कर्म करते हुए तन के भी, धन के भी, प्रवृत्ति की भी ट्रस्टी समझकर चलते हो। ट्रस्टी की विशेषता क्या होती है? एक शब्द में कहे ट्रस्टी अर्थात नष्टो मोहा। ट्रस्टी का किसी में मोह नहीं होता। क्यों? क्योंकि मेरापन नहीं है, मेरे में मोह जाता है। जो भी प्रवृत्ति के अर्थ साधन मिले हुए हैं व सेवा के अर्थ संबंध होता है, उसमें मेरापन नहीं। लेकिन बाप दादा का दिया हुआ अमानत समझकर सेवा करेंगे व साधनों को कार्य में लगाएंगे तो सहज ही ट्रस्टी बन जाएंगे। ट्रस्टी अर्थात मैंपन समाप्त और बाबा बाबा ही मुख से निकले, ऐसी स्थिति है। या जिन साधनों को कार्य में लगाते हो उसमें मेरापन का भान है। मेरापन है तो देह भान आता है। अगर तन के भी ट्रस्टी है तो देह का भान हो नहीं सकता। जब से जन्म हुआ तो पहला वायदा क्या किया? जो मेरा सो बाप का। मरजीवा हो गए ना, फिर मेरापन कहाँ से आया? दी हुई चीज कभी वापिस नहीं ली जाती। तो सदा देही अभिमानी बनने का अर्थात नष्टो मोहा बनने का सहज साधन क्या हुआ? ट्रस्टी हूँ, मैं ट्रस्टी हूँ। कल्प पहले के यादगार में भी अर्जुन का जो यादगार दिखाया है उसमें अर्जुन को मुश्किल कब लगा? जब मेरापन आया। मेरा खत्म तो नष्टो मोहा अर्थात स्मृति स्वरूप हो गए। मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरी दुकान, मेरा दफ्तर, यह मेरा मेरी सहज को मुश्किल कर देता है। सहज मार्ग का साधन है नष्टो मोहा अर्थात ट्रस्टी। इस स्मृति से स्वयं और सर्व को सहज योगी बनाओ। समझा? यह महावाक्य है 22 जून 1977 के। अगला टॉपिक है नष्टो मोहा बनने का तरीका है अपनी जिम्मेवारी नहीं समझो। सदा एक ही लगन रहती है अपनी हमजिंस को जगाने की, अपने बिछड़े हुए परिवार की माला में पिरोए, यही लगन रहती है। इसके सिवाय और जो कुछ भी करते वो निमित मात्र। लौकिक में रहते न्यारे और प्यारे बनना है, बनाना है ब्राह्मणों से और चुप्तू करना है अज्ञानी आत्माओं से। संपर्क संबंध से बिल्कुल पानी से ऊपर, कीचड़ से ऊपर
कमल समान रहना है। ऐसी स्थिति रहती है कि थोड़ा सा मोह है, नष्टो मोहा बनने का तरीका है, अपनी जिम्मेवारी नहीं समझो। जिम्मेवारी समझते तो मोह हो जाता। जिम्मेवारी छोड़ना अर्थात नष्टो मोहा। खुद स्वयं को बच्चा समझो, बड़ा नहीं। बच्चा समझना अर्थात नष्टो मोहा होना। बड़ा समझते तो बाप भूल जाता। बच्चा समझने से बाप की याद स्वतः आएगी। हांगकांग की धरनी कम नहीं है, फलीभूत धरनी है और अनेक फल निकल सकते हैं। सिर्फ शक्ति से ना, महावीरनी बन स्टेज पर आओ। खुशी का जो अखूट खजाना मिला है, इसी खजाने में सदा खेलते रहो। याद का रिटर्न यादगार बनाकर दिखाओ। यह महावाक्य है 14 फरवरी 1978 के। अगला टॉपिक है नष्टो मोहा अर्थात तीव्र पुरुषार्थी। माताओं से, निर्मोही हो, नष्टो मोहा हो ना। माताओं को विशेष विघ्न मोह का ही आता है। नष्टो मोहा अर्थात तीव्र पुरुषार्थ। अगर जरा भी मोह चाहे देह के संबंध में है तो तीव्र पुरुषार्थी के बजाय पुरुषार्थी में आ जाते। तीव्र पुरुषार्थी है फर्स्ट नंबर, पुरुषार्थी है सेकंड नंबर। क्या भी हो, कुछ भी हो, खुशी में नाचते रहो। मिरुआ मौत, मलू का शिकार, इसको कहते हैं नष्टो मोहा। नष्टो मोहा वाले ही विजय माला के दाने बनते हैं। मोह पर विजय प्राप्त कर ली तो सदा विजयी। पास हो या फुल पास हो, पेपर बहुत आएंगे। पेपर आना अर्थात क्लास आगे बढ़ना। अगर इम्तिहान ही न हो तो क्लास चेंज कैसे होगा? इसलिए फुल पास होना है, न कि पास होना है। अच्छा, युगलों से, स्मृति से पुराना सौदा कैंसल कर सिंगल बनो, फिर युगल बनो। पुराना हिसाब किताब सब चुक दू और नया शुरू। माया के संबंध को डाइवोर्स दे दिया, बाप के संबंध से सौदा कर दिया। इसी से माया जीत, मोह जीत, विजयी रहेंगे। सहयोगी भले हो, कंपेनियन नहीं। कंपेनियन एक है। कंपेनियन पन का भान आया और गया। जो बाप की याद में रहते उनके ऊपर सदा बाप का हाथ है। सभी मोस्ट लकी हो, घर बैठे भगवान मिल जाए तो इससे बड़ा लक और क्या चाहिए। जो स्वप्न में न हो और साकार हो जाए तो और क्या चाहिए। बाप आपके पास पहले आया, पीछे आप आए हो। इसी अपने भाग्य का वर्णन करते सदा खुश रहो। भगवान को मैंने अपना बना लिया, कहीं भी रहे लेकिन बाप का सदा साथ। हर कर्म हर दिनचर्या में सदा बाप के साथ का अनुभव करो। यह महावाक्य है 1 दिसंबर 1978 के। अगला टॉपिक है ब्रह्मा बाप नष्टो मोहा के आधार पर ही सदा स्मृति स्वरूप बने। ब्रह्मा बाप की जो पहली विशेषता है नष्टो मोहा, जिसके आधार पर ही सदा स्मृति स्वरूप बने।
तो ऐसे फॉलो फादर करते हो। इसी विशेषता से समीप आत्मा बन जाएंगे। स्वयं से व सर्व से नष्टो मोहा, इसलिए समीप आत्माओं को सहज ही सर्व प्राप्तियां होती है। पुरुषार्थ भी एक खेल अनुभव होता है, मुश्किल नहीं। पुरुषार्थ करना भी एक मनोरंजन है। वैसे कोई हिसाब करो और मनोरंजन रीति से हिसाब करो तो फर्क पड़ जाता है ना। तो समीप आत्मा को पुरुषार्थ मनोरंजन अनुभव होगा। समीप आत्मा की मुख्य निशानी आदि से अंत तक मुश्किल का अनुभव न हो। यह महावाक्य है 7 दिसंबर 1978 के। अगला टॉपिक है सर्व संबंधों का रस एक बाप से लेने वाले ही नष्टो मोहा। सर्व संबंधों का रस एक बाप से लेने वाले ही नष्टो मोहा। बाप को सर्व संबंधों से अपना बना लिया है। सिर्फ बाप के संबंध से नहीं, लेकिन सर्व संबंध बाप के साथ हो गए। अपना बनाना अर्थात बाप का खुद बनना। तो सर्व संबंध से एक बाप दूसरा न कोई, जिसके सर्व संबंध बाप के साथ हो गए, उसका शेष गुण क्या दिखाई देगा? वह सदा निर्मोही होगा। जब किसी तरफ लगाव अर्थात झुकाव नहीं, तो माया से हार हो नहीं सकती। ऐसे नष्टो मोहा बनना अर्थात सदा स्मृति स्वरूप, सदैव अमृत वेले यह स्मृति में लाओ कि सर्व संबंधों का सुख हर रोज बाप दादा से लेकर औरों को भी दान देंगे। हर संबंध का सुख लो, सर्व सुखों के अधिकारी बन औरों को भी बनाओ। ऐसे अधिकारी समझने वाले सदा बाप को अपना साथी बनाकर चलते हैं। जो भी काम हो तो साकार साथी न याद आवे, पहले बाप याद आवे। सच्चा मित्र भी तो बाप है ना। ऐसे सच्चे साथी का साथ लो तो सहज ही सर्व से न्यारा और प्यारा बन जाएंगे। एक बाप से लगन है तो नष्टो मोहा है। यह महावाक्य है 6 जनवरी 1979 के। अगला टॉपिक है मोह का बीज है संबंध। उस बीज को कट करने से सब शिकायतें समाप्त। माताएं सब नष्टो मोहा हो ना। जब बाप के साथ सर्व संबंध जोड़ लिए तो और किस में मोह हो सकता है क्या? बिना संबंध के कोई में मोह नहीं हो सकता। सदा यह याद रखो, जब संबंध नहीं तो मोह कहाँ से आया? मोह का बीज है संबंध। जब बीज को ही कट कर दिया तो बिना बीज के वृक्ष कैसे पैदा होगा? अगर अभी तक होता है तो सिद्ध है कि कुछ तोड़ा है कुछ जोड़ा है, दो तरफ है। तो दो तरफ वाले को न वह मंजिल मिलती न किनारा होता। तो ऐसे तो नहीं हो ना, सब नष्टो मोहा हो ना। फिर कभी शिकायत नहीं करना कि क्या करे, बंधन है कटता नहीं। जहां मोह नष्ट हो गया तो स्मृति स्वरूप स्वतः हो जाते। फिर कटता नहीं मिटता नहीं, यह भाषा खत्म हो जाती। सर्व प्राप्ति स्वरूप हो जाते। सदा मन मनाभव रहने वाले मन के बंधन से भी मुक्त रहते हैं। यह महावाक्य है 8
1979 के। अगला टॉपिक है मोह होगा तो दुख की लहर आएगी। वह हद की लॉटरी होती, उसमें एक डालते तो लाख की लॉटरी लग सकती, लेकिन यह तो बेहद की अविनाशी लॉटरी है। घर बैठे इतनी श्रेष्ठ प्राप्ति है। घर बैठे भगवान मिल गया ना, तो अपने भाग्य की सदा महिमा करते रहो। सदा मन में अपने भाग्य के गीत गाते हुए खुश रहो। अगर कहीं भी लगाव होगा, मोह होगा, तो दुख की लहर आएगी। कभी दुख होता है? बाप जन्म जन्मांतर के लिए रोना बंद कराते हैं। दुख होगा तो रोएंगे, दुख ही नहीं तो रोना बंद। सब सुखदाता के बच्चे मास्टर बन गए तो दुख तो आ नहीं सकता। दुख का दरवाजा बंद, स्वर्ग अर्थात सुख का दरवाजा खुल गया। स्वर्ग की टिकट ले ली है ना, सदा खुशी में नाचते रहो। खुशी होगी तो दूसरे भी आपको देखकर खुश होंगे और बाप के समीप आएंगे। आपकी खुशी बाप का परिचय देगी। कभी भी वियोग में नहीं आना। सदा योगी, संगम युग पर विशेष प्राप्ति बाप से मिलन मनाने की है। सदा मिलन मनाने वाले ऐसे खुशी में रहो। यह महावाक्य है 3 फरवरी 1979 के। अगला टॉपिक है नष्टो मोहा में पास हो तो बहुत आगे नंबर ले सकते हैं। माताएं सिर्फ बाप के साथ सर्व संबंध निभाती रहे तो नंबर 1 ले सकती है। माताएं अगर नष्टो मोहा में पास हो गई तो बहुत आगे नंबर ले सकती है। माताओं के लिए यही सब्जेक्ट जरूरी है। बाप दादा माताओं को एक्स्ट्रा लिफ्ट देते हैं, क्योंकि जानते हैं बहुत भटकी है, बहुत दुख देखे है। अभी बाप माताओं के पाव दबाते हैं, अर्थात सहयोग देते हैं। बाप को बहुत तरस पड़ता है। सारी जीवन गवाई, अभी थोड़े समय में पास हो जाओ। यह महावाक्य है 30 नवंबर 1979 के। अगला टॉपिक है बाप, टीचर और सद्गुरु, इन तीनों संबंधों से 3 प्राप्तियां। सदा तीनों संबंधों से वर्षे को, पढ़ाई को और घर को याद करते चलते हो। बाप से वर्षा मिला, टीचर के संबंध से पढ़ाई मिली और सद्गुरु के संबंध से घर का रास्ता मिला और साथ चलेंगे, तो तीनों संबंधों से जो तीनों प्राप्तियां होती है वह संबंध और प्राप्ति सदा याद रहता है। समझते हो कि हम इतनी श्रेष्ठ आत्माएं हैं जो स्वयं परम आत्मा बाप, शिक्षक और सद्गुरु बने हैं। इससे बड़ा भाग्य और किसी का हो सकता है? ऐसा भाग्य तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि सर्व संबंधों से परम आत्मा मिल जाएगा। यह असंभव बात भी संभव साकार में हो रही है तो कितना भाग्य है। सिर्फ बाप नहीं लेकिन शिक्षक और सद्गुरु भी बने। जैसे भक्ति में लोग कहते हैं भगवान जब राजी हो जाते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं,
तो यह भी इस आकाश तत्व को भी पार कर देने के लिए आ गए ना। वह तो सिर्फ छप्पर फाड़ कर कहते, लेकिन यह तो आकर तत्वों से पार रहने वाले पांच तत्वों को भी पार करके प्राप्ति करा रहे हैं। तो कितने भाग्यशाली हुए। ऐसा भाग्य सदा याद रहे। यह तो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ बन गई ना। सिर्फ नॉलेज हो गई तो भूल सकते हो, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ की कोई भी बात भूलती नहीं है, सदा याद रहती है। जैसे अपनी पास्ट लाइफ की बातें भूलना भी चाहते हो तो भी याद आ जाती है। यह फिर कैसे भूल सकती है? एक ही शब्द तो याद करना है। बाबा बाबा कहते चलो तो सदा स्मृति स्वरूप रहेंगे। 2 वर्ष का बच्चा भी बाबा बाबा कहता रहता है। तो आप इतने नॉलेजफुल के बच्चे एक बाबा शब्द याद नहीं रख सकते हो? सहज मार्ग है ना, कठिन तो नहीं लगता। शक्ति सेना क्या समझती है? सदा एक बाप और आप, तीसरा न कोई, ऐसे ही रहती हो ना। कोई तीसरी बात याद तो नहीं आती, बस बाप और बच्चा, बाप और मैं, इसी नशे में रहो। शक्ति सेना नष्टो मोहा हो या हद के घर में बच्चों में मोह है, कुछ भी हो जाए लेकिन निर्मोही साक्षी होकर ड्रामा की सीन देखते रहो। यह महावाक्य है 3 दिसंबर 1979 के। अगला टॉपिक है विदेशी नष्टो मोहा होने में होशियार है। विदेशियों की विशेषता, डबल विदेशी बच्चों को ड्रामा अनुसार विशेष लिफ्ट भी मिली हुई है, जिस लिफ्ट के आधार से लास्ट सो फास्ट अच्छे ही जा रहे हैं। वह लिफ्ट की गिफ्ट कौन सी है? विदेशियों की विशेषता अर्थात विदेशियों को विशेष लिफ्ट इसलिए मिली हुई है जो विदेश में सुख के साधन सब प्रकार के भोग कर अब थके हुए हैं और भारतवासी अभी शुरू कर रहे हैं। तो विदेशियों का उन अल्पकाल के साधनों से जैसे जैसे किसी का पेट भर जाता है ना, तो उसके आगे कुछ भी रखो आसक्ति नहीं जाती। वैभव से, वस्तुओं से, अल्पकाल के सुखों से जी भर चुका है, इसलिए एक तरफ से किनारा सहज हो चुका था और जिसकी आवश्यकता थी वह सहारा मिल गया। इसलिए सहज ही एक बाप दूसरा न कोई इस स्थिति का अनुभव कर रहे हो। त्याग किया जरूर है, लेकिन जी भरने के बाद त्याग किया है। विदेशियों को यह लिफ्ट है जो पहले से ही बुद्धि किनारे हो गई है और सहारे को ढूंढने की वायुमंडल में शुरुआत हो गई है, इसलिए भारतवासियों को छोड़ने में मेहनत लगती और विदेशियों को छोड़ने में मेहनत नहीं लगती। सहज ही त्याग हो जाता, इसलिए भारतवासियों का त्याग करने में हृदय विदीर्ण होता है। विदेशियों का उछल से, एक धक से छोड़ा और छूटा। दूसरी बात, विदेशियों के संस्कार स्वभाव में भी यह भरा हुआ है कि जो सोचा वह किया, डोंट केयर है। जो सोचा
वह करना ही है। सोचने वाले नहीं कि यह क्या कहेंगे, वह क्या कहेंगे। लोग मर्यादा से पहले ही पार है, इसलिए भारतवासियों से ज्यादा पुरुषार्थ में सहज और तीव्र जाते हैं। उनको लोक मर्यादा ज्यादा होती है। डबल विदेशियों की लोक मर्यादा पहले ही छूटी हुई है। आधे नाते पहले ही टूटे हुए हैं, इसलिए लास्ट से फास्ट जाते हैं। समझा, विदेशियों की ड्रामा अनुसार विशेषता है। अज्ञान की बातें हैं, लेकिन ड्रामा में यह संस्कार परिवर्तन होने में सहज साधन बन गए हैं। इसलिए विदेशियों को सहज होता है। विदेशी नष्टो मोहा होने में होशियार है। इंडियन भी विदेश में रहकर विदेश के वातावरण में तो आ जाते हैं ना। विदेशी जंप लगाने में होशियार हो गए हैं। समझा, विदेशियों की विशेषता। यह महावाक्य है 15 दिसंबर 1979 के। अगला टॉपिक है विकारों का परिवर्तित रूप। काम विकार शुभ कामना के रूप में आपके पुरुषार्थ में सहयोगी रूप बन जाएगा। काम के रूप में वार करने वाला शुभ कामना के रूप में विश्व सेवाधारी रूप बन जाएगा। दुश्मन के बजाय दोस्त बन जाएगा। क्रोधाग्नि के रूप में जो ईश्वरीय संपत्ति को जला रहा है, जोश के रूप में सबको बेहोश कर रहा है, यही क्रोध विकार परिवर्तित हो रूहानी जोश, वह रूहानी खुमारी के रूप में बेहोश को होश दिलाने वाला बन जाएगा। क्रोध विकार सहन शक्ति के रूप में परिवर्तित हो आपका एक शस्त्र बन जाएगा। जब क्रोध सहन शक्ति का बन जाता है, शस्त्र सदैव शस्त्रधारी की सेवा अर्थ होते हैं। यही क्रोध अग्नि योगाग्नि के रूप में परिवर्तन हो जाएगी, जो आपको नहीं जलाएगी लेकिन पापों को जलाएगी। इसी प्रकार लोग विकार ट्रस्टी रूप की अनासक्त वृत्ति के स्वरूप में, उपराम स्थिति के स्वरूप में, बेहद की वैराग्य वृत्ति के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। लोभ खत्म हो जाएगा और सदा चाहिए चाहिए के बदले इच्छा मात्रम अविद्या स्वरूप हो जाएंगे। लोभ को चाहिए नहीं कहेंगे लेकिन जाइए कहेंगे। लेना है नहीं, देना है यह परिवर्तन हो जाएगा। यही लोग अनासक्त वृत्ति व देने वाला दाता के स्वरूप की स्मृति स्वरूप में परिवर्तन हो जाएगा। इसी प्रकार मोह विकार वार करने के बजाय स्नेह के स्वरूप में बाप की याद और सेवा में विशेष साथी बन जाएगा। स्नेह याद और सेवा में सफलता का विशेष साधन बन जाएगा। ऐसे ही अहंकार विकार देह अभिमान से परिवर्तित हो स्वाभिमानी बन जाएगा। स्व अभिमान चढ़ती कला का साधन है, देहाभिमान गिरती कला का साधन है। देहाभिमान परिवर्तित हो स्व अभिमान के रूप में स्मृति स्वरूप बनने में साधन बन जाएगा। इसी प्रकार यह विकार अर्थात विकराल रूपधारी आपकी सेवा के सहयोगी, आपकी
श्रेष्ठ शक्तियों के स्वरूप में परिवर्तित हो जाएंगे। ऐसे परिवर्तन करने की शक्ति अनुभव करते हो। इन तीन स्मृतियों के आधार पर पांचों का परिवर्तन कर सकते हो। काम के रूप में आए शुभ भावना बन जाए, तब माया जीत जगत जीत का टाइटल मिलेगा। विजयी दुश्मन का रूप परिवर्तन जरूर करता है। जो राजा होगा वह साधारण प्रजा बन जाएगा, तब विजयी कहलाया जाएगा। मंत्री होगा वह साधारण व्यक्ति बन जाएगा, तब विजयी कहलाया जाएगा। वैसे भी नियम है कि जो जिस पर विजय प्राप्त करता है उसको बंदी बनाकर रखते हैं, अर्थात गुलाम बना के रखते हैं। आप भी इन पांच विकारों के ऊपर विजयी बनते हो। आप इनको बंदी नहीं बनाओ। बंदी बनाएंगे तो फिर अंदर उछलेंगे, लेकिन आप इन्हें परिवर्तित कर सहयोगी स्वरूप बना दो तो सदा आपको सलाम करते रहेंगे। विश्व परिवर्तन के पहले स्व परिवर्तन करो। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन सहज हो जाएगा। परिवर्तन करने की शक्ति सदा अपने साथ रखो। परिवर्तन शक्ति का महत्व बहुत बड़ा है। अमृत वेले से रात तक परिवर्तन शक्ति को कैसे यूज करो यह फिर सुनाएंगे। यह महावाक्य है 26 दिसंबर 1979 के। अगला टॉपिक है, जब मेरा ही नहीं तो मोह कहाँ से आया। सभी माया को जानते हुए माया से अनजान रहते हो। जैसे देवताएं माया शब्द को ही नहीं जानते, उनसे पूछो कि माया क्या है तो अनजान है ना, ऐसे आप माया को जानते हुए माया से अनजान रहो। माया को ऐसे समाप्त कर दो जो नाम निशान ही खत्म हो जाए। माया कभी मेहमान तो नहीं बनती है ना। दरवाजा बंद है, अगर किला मजबूत होता है तो दुश्मन नहीं आता है। ऊंच स्टेज पर रहना अर्थात ऊंची दीवार, कभी भी नीचे की स्टेज में नहीं आना। जब बाप के बन गए तो बाप का बनना अर्थात मेरापन समाप्त होना। मोह की उत्पत्ति का आधार है मेरा। जब मेरा ही नहीं तो मोह कहाँ से आया। जब अपने को हद का रचयिता समझते हो तो विकारों की उत्पत्ति होती है। सदा भाई भाई की स्मृति में रहो तो कोई भी विकार उत्पन्न नहीं हो सकते। यह महावाक्य है 25 जनवरी 1980 के। अगला टॉपिक है, अगर थोड़ा भी मोह हुआ तो माया भी सारा हप कर लेगी। पुरानी दुनिया में रहते अपने को संगम युगी ब्राह्मण समझकर चलते हो। संगम युगी ब्राह्मण कलयुगी सृष्टि से किनारा कर चुके, इसलिए उनकी आंख पुरानी दुनिया की तरफ कभी नहीं जा सकती। पुरानी दुनिया, पुरानी देह या संबंधी किसी तरफ भी आकर्षण न हो। वैसे भी गवर्नमेंट के बिगर पासपोर्ट के कोई दूसरे देश में चले जाते हैं तो बंदी बना लेते हैं। यहाँ भी जब बाप की छुट्टी नहीं है तो बिगर छुट्टी अगर गए तो माया बंदी बना लेगी। कभी भी देह के संबंध की स्मृति तो नहीं आती है। नष्टो मोहा हो, अगर थोड़ा भी मोह हुआ तो जैसे
मगरमच्छ पहले थोड़ा पकड़ता है, फिर सारा ले लेता है। ऐसे माया भी सारा हप कर लेगी। इसीलिए जरा भी मोह न हो, सदा निर्मोही। यह महावाक्य है 1 फरवरी 1980 के। अच्छा, ओम शांति।